गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आई हूँ आप लोग के साथ अलग एक रेसिपी के साथ। और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं और हम भी स्वस्थ हैं। और चलिए हम अब चलते हैं किचन में। अब फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। अब बनाऊँगी मैं यहाँ पे ये सेवई बनाऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए है ये सेवई, और यहाँ पे मैंने अमूल का ये दूध लिया है, और इससे मैं बनाऊँगी अब सेवई। देखिए रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे डाली है ये अमूल की दूध आधा लीटर। अब ये इसे मैं उबालूंगी इसे, और जब ये अच्छी तरीके से उबलेगा तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जब कढ़ाई गर्म हो गया, अब ये कढ़ाई गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पे ऐड करे यहाँ पे सेवई, और मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक तेज़पत्ता भी ऐड कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी थोड़ी सी घी। थोड़ी उबाल आ रही है यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है स्वाद अनुसार चीनी। आप अपने स्वाद से ले सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी घी डाली थी, तो उसके लिए ये अब थोड़ा लाल हो रहा है। जब तक ये अच्छी तरीके से लाल ना हो जाए तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। उबल चुका है, अब मैं इसे थोड़ी सी ठंडी होने के लिए रख दूँगी। बेटा विनायक का फेवरेट है ये सेवई, वो सेवई बोलते ही पूरा एकदम खुश हो गया। सेवई बन के रेडी हो गया है। अब देखिए इसमें उबाल आ रही है। ये जब अच्छी तरीके से पक जाए तो हम इसे खाएंगे। देखिए थोड़ी सी इसकी ये पानी को मैं सुखाऊंगी। कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड मॉर्निंग, और अपना ख्याल रखिएगा और अपना फैमिली का भी ख्याल रखिएगा इसी तरीके से। बाय बाय।